नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एम एस में। और मैं आपके लिए लेकर गया हूँ BSNL और MTNL से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट अपडेट। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आज हम चर्चा करने वाले हैं BSNL की सभी लेटेस्ट हेडलाइंस की, साथ ही हम चर्चा करेंगे BSNL यूनियंस के द्वारा दी हुई सभी लेटेस्ट अपडेट, और साथ ही हम जानेंगे BSNL के BRS ऑप्टीज का फोर्थ इंस्टॉलमेंट का भुगतान किस प्रोग्रेस पर है और कब तक इसके भुगतान होने की संभावना है। साथ ही BSNL के जो रेगुलर एम्प्लॉई हैं उनकी अगस्त मंथ की सैलरी का तो भुगतान हो ही चुका है, लेकिन सितंबर मंथ की सैलरी का भुगतान कब होगा इसके बारे में भी हम जानेंगे आज इस वीडियो में डिटेल में। साथ ही कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स को अभी तक नहीं हो पाया है, पिछले लगभग 14 से 16 महीने से उनका भुगतान पेंडिंग है, और इस तरह से आश्वस्त किया गया था कि इस महीने से उन्हें हर महीने 2 महीने का भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी का भी भुगतान नहीं हुआ है इस मंथ भी। तो क्या है इससे जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट, साथ ही इस वीडियो में हम अब तक की जितनी भी खास अपडेट्स हैं पुरानी उन पर भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे, और ख़ास करके हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं सभी RTI और या फिर लोकसभा में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे BSNL और MTNL से रिलेटेड, उन सब के बारे में, जिसमें सबसे खास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया था जो जुड़ा हुआ था कि अगर BSNL इसी तरह घाटे में चलता रहता है तो सरकार उनके जो बहुत ज़्यादा मात्रा में एम्प्लॉई हैं उनके बारे में क्या डिसीजन लेगी, क्या उन्हें निकाल देगी नौकरी से या फिर उनको कहीं दूसरी जगह जॉब दी जाएगी, किस तरह का डिसीजन लिया जाएगा, तो उसके बारे में भी ये लोकसभा के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या थी इससे जुड़ी हुई अपडेट हम देखते हैं इस वीडियो में डिटेल में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को, जिस पर लिखा हुआ है SUBSCRIBE, उसको प्रेस कर दें और घंटी के निशान को सेट कर दें ऑल पर। ये एकदम फ्री है, मुफ्त है, निःशुल्क है और 0 इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज है, मतलब कि आपसे कोई भी चार्ज इसका नहीं लिया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि क्या BSNL के द्वारा जो लंबे टाइम से लॉस में चल रही है और उसके बावजूद भी इसने सरकार ने इसको मतलब कि एक बीमा रूपी इश्यू का नाम भी दिया था पिछले टाइम DPE के तहत, DPE की गाइडलाइंस के तहत, और उसके बाद में इसको ये फिर भी लगातार लॉस में चल रही थी, तो क्या इसके रिवाइवल के लिए कुछ प्लान किया गया है सरकार के द्वारा या फिर नहीं किया गया है, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर डिटेल मांगी थी। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा था कि अगर वेदर BSNL इज़ अनेबल टू मेक अरेंजमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी ऑफ द इट्स एम्प्लॉई, यानी अगर BSNL इसके एम्प्लॉई के सैलरी का भी अगर जुगाड़ नहीं कर सकता है, व्यवस्था नहीं कर सकता है, तो अगर इस तरह के कौन से स्टेप लिए जा रहे हैं कि BSNL को फ़ायदे में लाया जा सके, और अगर फ़ायदे में नहीं लाया जा सकता और BSNL को बंद करने की प्लानिंग कुछ चल रही है तो इस उसके बाद में BSNL के एम्प्लॉयज़ का क्या होगा, ये इसने जानकारी मांगी थी। तो अब हम देखते हैं हर एक का आंसर कि यहाँ पर तो जो श्री संजय धोत्रे जी हैं उनके द्वारा ये रिप्लाई दिया गया था, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, इन्होंने कहा था कि यस BSNL हैज़ इनकर्ड लॉसेज, यानी BSNL लॉस कर रही है पिछले काफ़ी लंबे टाइम से, और 2017-18 में ये लॉस 7993 था, वहीं 2018-19 में ये 14904 हो गया और 2019-20 में 15500 हो गया, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है कि BSNL को फ़ायदे में लाने के लिए हमने अब BSNL के अंदर 13 अक्टूबर 2019 को रिवाइवल प्लान लाया था जिसके अंदर BRS दिया गया था, और साथ ही जिसके अंदर 50 साल से अधिक के कर्मचारियों को निकाल दिया गया था और 4G स्पेक्ट्रम, सॉवरेन बॉन्ड और मोनेटाइजेशन, ये सब इसके अंदर शामिल थे जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और अदर रिक्वायरमेंट सभी को पूरा करने के लिए ज़रूरी हैं। वहीं उन्होंने कहा कि BSNL हैज़ इन्फॉर्म दैट इट हैज़ मेड सैलरी पेमेंट अप टू मंथ ऑफ जुलाई। आपको बता दें कि अब ये जुलाई ही नहीं अगस्त मंथ तक का भुगतान हो चुका है BSNL का, और उसके बाद में जब इन्होंने कहा
बीएसएनएल के एम्प्लॉयज़ का क्या होगा, तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि बीएसएनएल बंद नहीं होने वाला है और ना ही बीएसएनएल को किसी तरह से ऐसी संभावना है कि उनके एम्प्लॉयज़ को बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि बीएसएनएल को दोबारा से रिवाइवल करने का सरकार ने जब प्लान किया है तो इसके लिए अभी प्रयास जारी हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर टर्न अराउंड ऑफ बीएसएनएल विल इंश्योर द वेलफेयर एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ इट्स एम्प्लॉई, यानी बीएसएनएल के अंदर जो बदलाव किए गए हैं वो बीएसएनएल के भले के लिए हैं और उनके एम्प्लॉयज़ के भले के लिए हैं, और वो ज़रूर से ज़रूर बीएसएनएल का फ्यूचर सिक्योर कर देंगे। तो ये तो थी इससे जुड़ी हुई खास अपडेट। इसी तरह लेटेस्ट अपडेट में ये भी पूछा गया था कि जल्दी ही जिस तरह से बीएसएनएल ने अपने बॉन्ड मार्केट में रिलीज किए हैं, उसी तरह से अब एमटीएनएल भी अपने बॉन्ड रेज करने वाली है। और यहाँ पर आपको बता दें कि 21/9/2020 इट इज़ लर्न्ड दैट यस्टरडे, यानी 21/9/2020 की ये अपडेट थी जिसमें बताया गया था कि एमटीएनएल को अभी अप्रूवल मिल गया है लगभग 6500 करोड़ रुपए के बॉन्ड रेज करने का। और यहाँ पर बता दें कि ये पैसा पेंशनर्स को की पेंशन के लिए, बीआरएस के लिए और अन्य खर्चों के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड अदर, एक्सग्रेशिया का भुगतान, इन सब में भी इसका यूज़ लिया जा सकेगा। और एक्सग्रेशिया का भुगतान तो हालांकि डीओटी के द्वारा जो पैसा दिया जाएगा उसके द्वारा इसका भुगतान होगा। वहीं अगर हम देखें बीएसएनएल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट, तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो जी बिजनेस न्यूज चैनल है उसके द्वारा ये अपडेट दी गई है कि बीएसएनएल के बॉन्ड को काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है और मोनेटाइजेशन के लिए 11 लैंड बैंक की पहचान की है। और यहाँ तक कि आपको बता दें कि बीएसएनएल के सीएमडी श्री पी के परवार जी, जो बीएसएनएल के चेयरमैन और एमडी हैं, उन्होंने कहा है कि 5G टेस्टिंग के लिए अब नए पार्टनर की तलाश जारी कर दी है बीएसएनएल ने। तो वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो नेक्स्ट अपडेट में हम आपको बता दें, हालांकि जब ये कुछ जब समय बॉन्ड रिलीज किए गए थे उससे पहले की अपडेट है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था 5G सर्विसेज से रिलेटेड, तो यहाँ पर बीएसएनएल ने कहा था कि बीएसएनएल 4G पहले लेकर आएगा, उसके बाद ही 5G लेकर के आएगा। बीएसएनएल का अभी तक 5G लाने का कोई भी प्लान नहीं है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि 5G सर्विसेज अभी तक कहीं पर पूरे ऑल इंडिया लेवल पर रोल्ड आउट भी नहीं हुई है, और बीएसएनएल इट हैज़ नॉट येट प्लान्ड फॉर द इंट्रोड्यूसिंग 5G सर्विसेज इन इट्स नेटवर्क। और इसके अलावा जब प्राइवेटाइजेशन की बात की गई कि क्या बीएसएनएल और एमटीएनएल को प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है, तो आपको यहाँ बता दें कि गवर्नमेंट हैज़ नो प्लान टू प्राइवेटाइज बीएसएनएल एंड एमटीएनएल। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार हम आपको बता दें कि 26/9/2020 को, मतलब कि जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अनुसार बीएसएनएल के जितने भी बीआरएस ऑप्टीज हैं जिन्होंने बीआरएस 2019 के तहत बीआरएस लिया है, उनकी फोर्थ इंस्टॉलमेंट ऑफ एक्सग्रेशिया का भुगतान अब शीघ्र ही होने वाला है। क्योंकि आपको यहाँ बता दें कि 26/9/2020 को इन्होंने कंप्लीट डाटा, जो कि मिसमैच रिकॉन्साइल्ड हो रहा था, मिसमैच हो रहा था, उसको कंप्लीट कर दिया है और 26/9/2020 को सबमिट कर दिया है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अब शीघ्र ही आपका पैसा रिलीज होने वाला है। वहीं सोसाइटी ड्यूज के भुगतान से रिलेटेड जानकारी में हम आपको बता दें कि कॉरपोरेट ऑफिस के द्वारा जो फंड है वो सेंड कर दिया है सर्कल्स को, ताकि सोसाइटी ड्यूज क्लियर हो सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगस्त मंथ के 2020 तक का जितना भी सोसाइटी का ड्यूज बकाया था उस सब का भुगतान आपको बता दें कि जल्द ही हो जाएगा। बीएसएनएल कॉरपोरेट ऑफिस हैज अलॉटेड फंड टू द सर्कल्स फॉर रिमिटिंग द सोसाइटी ड्यूज ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज फॉर द पीरियड ऑफ अगस्त 2020 एज वेल। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये तो थी सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज सोसाइटी ड्यूज, जो कि सैलरी से डिडक्ट किया जाता है उसका भुगतान की यहाँ पर बात की जा रही है। शुड बी रिमिटेड टू द सोसाइटी विद द रिसीप्ट ऑफ फंड्स फॉर क्लियरिंग ऑफ सोसाइटी ड्यूज अप टू द डेट ए सीरियस प्रॉब्लम दैट हैज़ बीन सफर्ड बाय द एम्प्लॉयज हैज़ बीन रिजॉल्व्ड। यानी कि अब तक जो भुगतान नहीं हो पा रहा था सोसाइटी ड्यूज का, उसका भुगतान अब शीघ्र ही हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अब सोसाइटी ड्यूज का पैसा आ चुका है और
सभी सर्किल्स को ये अलॉट भी हो चुका है, तो किसी किसी में तो इसका भुगतान हो भी गया होगा, और अगर नहीं हुआ है किसी का तो वो शीघ्र ही हो जाएगा। यूनियंस की और न्यूज़पेपर की लेटेस्ट अपडेट। अब बात करें BSNL के रेगुलर एम्प्लॉयज़ की सितंबर मंथ की सैलरी की, तो सितंबर मंथ की सैलरी अब की बार लास्ट डे वर्किंग डे आ सकती है या नहीं आ सकती है, तो अभी तक तो इसकी कोई भी अपडेट किसी भी यूनियंस की वेबसाइट पर नहीं दी है। अगर जैसे ही, और ये अपडेट तब तक नहीं किया जाएगा तब तक कि मंथ की एंड डे नहीं आ जाता है, तो आप कहीं पर भी इस तरह का क्वेश्चन ना पूछें, क्योंकि 30 तारीख से पहले पहले कहीं से भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल सकती कि क्या 30 तारीख को यानी 30 सितंबर को सितंबर मंथ की सैलरी का भुगतान होगा या नहीं होगा। 30 सितंबर को अगर नहीं होता है तो उससे अगले दिन यूनियंस के द्वारा या फिर न्यूज़पेपर के द्वारा या फिर इंटरनल न्यूज़ मिल सकती है किसी भी तरह से कि कब तक हो पाएगा इसका अप्रोक्सीमेट भुगतान। वहीं अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स की, तो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स का भुगतान इस लास्ट वीक के अंदर हो सकता है, तो आप 4 to 5 days का वेट कर लीजिए कि हो सकता है आपकी लगभग 2 महीने की सैलरी का भुगतान हो जाए, जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया गया था जब आपने स्ट्राइक की थी। तो अब देखते हैं कि क्या आती है इससे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। जैसे ही कोई खबर आएगी हम आपको ज़रूर इससे अवगत करा देंगे। तो धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।